हमारे दामाद का दूध तो गारा तो बहन तरु सिंदूर नहीं दे रहा हुआ, कमने काम करी हो बहन। यहाँ तो मनती है वहाँ, यहाँ मनती हो है, अतनी तो मूर्ति गारा है बेचारा, तनिक बात नहीं मैंने बड़ी गा या कौन बात ना इतना। तो सुलोचना ने सोचा कि लाओ सिंदूर दे दी, ए डॉक्टर है वही पत्नी, डॉक्टर ने बिना कहे आदमी मास्टर हो कंडा पतती हुए कार मटराई चाची, आदमी नेता होए वही का हो गई नेता ही नहीं, और आदमी जो कहूँ नारद है तो वही हाँ। लेकिन अब तो देखो जयमाल में हाँ वही उनका हराए दे तो वही उनका हराए दे तो वही ब्यूटी पार्लर मुँह छोलाए हैं तो वही गए अमीनाबाद मुँह छोलाए हैं बने तमाशा बैठे हैं, ये मान कहते बांगर मऊ से आए हैं बहे है नहीं, अब हो रहे सट्ट सट्ट माछी लगे हैं वो जब मुँह छोला जाए तो करिया तो होबे करी, लड़का लड़की का हरा रहा, लड़की लड़का का हरा रहा। अरे भगवान ने जो तुमको सूरत दिया है इसी सूरत पर चलो, जो सूरत भगवान ने दिया है सूरत कम दिया तो कहाँ करे, कम से कम ज्ञान और बुद्धि बल विकास हो चाहिए। सूरत से क्या मतलब है, ये तो है चमड़ा मेरे भाई, चमड़ा को सुंदर बनाओगे वो उतना करिया हो बात दू। हनुमान जी महाराज ढूंढते ढूंढते भैया हनुमान जी का सीता मिल का ही नहीं रही, यहां बात सुन लो, हनुमान जी का सीता मैया का दर्शन नहीं हो रहा, कोई भक्तों नहीं मिल रहा, कबो कबो देखे हो अरे कहीं चालू गल्ली मालूम है, और जब बक्के गे डिकोलिया करे भलमा तब कहने यार अब कोई मिलतो नहीं, को कहाँ कहाँ यार कैसी यहाँ कहाँ को हिरम पार्टी पर ना वो सैले देख रहे भिट्ठा दिखाई पड़ा, अरे कहा हो भैया कोई जना हो, कहने कहाँ जवैया हो, कहन जवैया हनुमान मरमरापुर मरमरा नहीं अलमापुर कहो। अच्छा तब उठा कोई कहला भैया ऐस करो यहाँ गली चले जाओ इधर अलमापुर पर ही जल्द बतावा, हनुमान जी का 4 बजे वाला है कोई भी पता निशान ना मिला, तब हनुमान जी का ध्यान आवा क्यों सीता जी का दर्शन क्यों नहीं पा रहे हनुमान, कोई भी पता नहीं मिल रहा, सवेर होने वाला है, सवेर होगा हनुमान जी का भेद खुल जाएगा, चोरी काम रात 12 बजे बात सप्लाई करना है। तो हनुमान जी का तैले याद आवारी राम राम, मैंने भगवान को विसार दिया, मैंने अपने प्रभु का विसार दिया। तो जैसे हनुमान जी खड़े हो गए, जैसे राम का नाम उच्चारण किया तो क्या देखा, साना मुख तुलसी वृक्ष लगायो, जैसे हनुमान जी ने राम का नाम लिया तो कहूं जाग नहीं पड़ा, सामने देखिन तुलसा क्यार बिरवा लाग, और दरवाजा पर याग पल्लव लिखा है राव, यहां कब लिखा है माँ, वह पेंट से रंगा है, तुलसी बिरवा पहचान हो थी, चाहे अभी गयन तो कोई गांव को नहीं है भैया, अभी गयन दरा भिट्ठो भी नहीं कोई दुआरे, खाली जिनके वहाँ कथा हो तो उनके वहाँ नहीं जाए तो भैया हमारे काम बिगड़ जी, वहन दुआरे चाहे जो गायन बाकी गायन कहूँ नहीं, बलौवा तो बहुत आए लेकिन पहुँचन नहीं कहूँ, बहुत बलौवा भैया तो आगे का खाना बनकर है लेकिन गायन नहीं हो, देखो देखो भाई गिल्ला ना हो जाए, अरे भाई गुस्साए वसाए ना भाई देखो, तो हम गायन कहूँ नहीं है लेकिन हम का चाह जी के द्वारे ले चलो, हम तुरंत ही बता दे अभी धार में घर हुआ है, जी के आंगन में यहाँ जी के दरवाजे पर तुलसक बिरवा लाग होए, दरवाजे पर लिखा ओम श्री गणेश महाराज सदा सहाय, लक्ष्मी जी सदा सहा भगवान विष्णु भंडार भरें, दरवाजे पर बढ़िया गौरा गणेश लक्ष्मी दुर्गा सबके फोटो कैलेंडर लाग हैं, तो बिल्कुल बिन कहे समझ जाओ जय गुरुदेव से आगे है, जान जाओ धार्मिक घर हो है? और दरवाजे पर जाओ तुलसी बिरवा का पता नहीं, न गौरा गणेश न लक्ष्मी, लक्ष्मी गौरा गणेश हनुमान व बजरंगी अरंगी बजरंगी जंगी भरंगी कोई नहीं है, द्वारे पर गए तो कहा देखे न देखो तो कहा देखो, सर्कस वाली खड़ी है रवीना टंडन, लोहा पिक्चर वाला फोटो लाग है, बताओ तो तुम बिने कहे जान जाओ कि वो बहुत अंग्रेज गांव है, बहुत अंग्रेज, हनुमान जी ऐसे देखा तुलसी का वृक्ष देखा तो हनुमान जी समझ गए कोई धीरज होगा, कोई ऐसा वैसा दरवाजा नहीं होगा, विभीषण जी एक पल्ला पर रा लिखा था एक पल्ला पर माँ,
एक दिन रावण को शंका थी कि विभीषण दगाबाजी करेगा, तो रावण ने लिया तलवार और रात 12 बजे गया विभीषण के दरवाजे पर, पल्ला रहा है बंद, दिन भर पल्ला खुला रहा है तो रा वैसी माँ वैसी, और रात में जब पल्ला बंद हो तो राम सीत हो जाए और रात में विभीषण जाप करें। रावण लात मारी दरवाजा में, दरवाजा खोलो, विभीषण निकले, क्या बात है, तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है। विभीषण जी समझ गए, अगर कह दे ली थे ना हो तो कहाँ कह लिया हो, तो मारी खोपड़ी छान दलगट गिरी जाए। वृंदावन में जो रहना है तो राधे राधा कहना है। तो रावण बोला भैया नाव लीत है, लेकिन यू तो कभो ध्यान नहीं दियो कि नाव लीत की का है। रावण बोला किसका नाम लेता है, ये तो न मेरे दुश्मन का नाम है। विभीषण बोले दुश्मन दुश्मन नाम कुछ नहीं महाराज, समझ नहीं पाओ, और भैया के हैं छाड़े कहाँ जाओ भला। अच्छा गलत हो तो मार डरो, और सही हो तो तनी एक रंगत पेंट थे रंगवा दी हो। तब विभीषण बताने लगा रासे रावण नाम तुम्हारा है कि नहीं। रावण तो बताओ कहाँ गलत करी धन। रासे रावण नाम तुम्हारा और माँ से मंदोदरी पुकारा, माँ से मंदोदरी पुकारा, भैया भाभी नाव नाली तो की का नाव ली। रावण कहला बहुत अच्छे बहुत अच्छे, का पेंट भरे पेंट पतवाए दिया, देखो समझाओ बात है भैया। रावण की बुद्धि को इधर उधर कर दिया। आज हनुमान जी की नजर पड़ी, हनुमान जी सोचा कोई भक्त का ही दरवाजा होगा। तुलसी बिरवा वह एक दुआरे ऐसे पर हरा मिली जौन बहुत पक्का भगवान के और भक्त हुई। तुम चाहे पता लगा लो कोई चिकवक दुआरे तुमका बकर चिकवक दुआरे तुमका कोई तुलसी बिरवा हराना मिली, चाहे रोल लगाओ रोज सुखा जी भाई मेरे, क्योंकि उनके यहाँ का काम है। पूछो के बकरा मारते हो तो कहाँ दिखा हो, कहीं पाप नहीं लागत, कहीं जब मारे थे तो इके पहले जाऊंगा कह दी थे इल्लाह बिस्मिल्लाह कहा कह दे नमीलाल मारे पहले कहा कह दे या तो कुर्बानी हो जा रही है, कहीं इनकी आत्मा जिंदा में जल्द हम वैकुंठ भेज दे, कहीं कहा कह दो कहीं इल्लाह बिस्मिल्लाह पधर जो का जो चो 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 पाप लगवे नहीं करी मेरे बंधु। देखो भैया अब जब हनुमान जी राम का नाम लिया विभीषण जाग गए, क्यों विभीषण का यहाँ मालूम होगा, विभीषण जी का मालूम होगा कि कोई भगवान का भक्त ना होता तो मेरे दरवाजे पर हरि का नाम नहीं लेता। विभीषण रोज यहाँ गावा करता है गाना, कितना 32 दांतों के बीच में जीभ रहती, नाम बोल दें 51 रुपया सुरेंद्र यादव भैया उत्तर कोटरी से, 100 रुपया हमारे मलहे भैया मनसापुरवा से, 501 रुपया रामू भैया हमारे भैया मनसापुरवा से, 21 रुपया शिव बालक भैया मनसापुरवा से, 20 रुपया श्री ठाकुर प्रसाद भैया हमारे दरामा से, 20 रुपया अनंत राम कश्यप भैया दरामा से, और 11 रुपया पवन कुमार भैया हमारे सदारीपुर से भगवान के चरणों में दान। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। विभीषण जैसे 32 दांतों, पहले दादा लोग हमरे गावा करते रहे, जब संजय खाना ना खा लेटे तो पोता कहें हम हो बाबा लेट, तो कहें भैया पढ़ाओ रघुपति राघव राजा राम पता न पावन सीता राम, है नहीं यह गावा करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत, रघुपति राघव राजा राम पता न पावन सीता राम, जत्ता पैसा वत्ता, है ना यू गावा करें। तो विभीषण जब रात में लैटर रहे तो खाली यह करते रहे अत्य कि महाराज 32 दांतन बीच में जैसे जीव रहते है वैसे हम रहते हैं, अयो बताओ महाराज। स्वामी लिया हो कब खबरिया गरीबन की, स्वामी लिया हो कब खबरिया गरीबन की, गरीबन की
खबरिया गरीबा केवल लंका किसने जलाया? विभीषण के जाप ने। लंका किसने जलाया? रावण के पाप ने। लंका किसने जलाया? सीता के संताप ने। लंका किसने जलाया? हमारे बाप ने। लंका किसने जलाया? लंका जलायो बाजा रंग बली बाबा लंका जलाया। लेकिन सब परी गवा, अरे बची गई मड़ैया यार विभीषण की। हाँ बची गई मड़ैया विभीषण की। स्वामी लियाओ कब खबरिया विभीषण जी जागे तो दरवाजा बंद थे, दरवाजा बंद थे। विभीषण उठे धीरे से खुंडी का पल्ला, अब कुछ रावण के गुप्तचर हो बाहर उधर रहे नहीं, ऊपर जितना उधर घूम रहे हैं, देख रहे हो। तो हनुमान जी धीरे से पल्ला खोला, विभीषण ने पल्ला खोला तो हनुमान जी को लपत भीतर बुला लिया और फिर से पल्ला बंद कर लिया। जब दरवाजा पल्ला बंद कर लिया, आप बैठी बैठा भाई हाल चाल भा सब कुछ भा, कहाँ से आयो कहाँ ना हो, और भैया तुम्हारे मुझसे राम नाम निकला, ओ भैया तुम का नाव तुम्हार का नाव है कितना का भवा। तो अब लकड़ी कटी जब है, जब लकड़ी की भेंट लागी तब है, तो विभीषण हो गए लकड़ी क्यार भेंट हो। हनुमान रहे कुर्री लुआ कुर्रे के दम नहीं जबेरा काट डरे जेलो में लकड़ी क्यार भेंट न लागी। तो विभीषण बन गए लकड़ी क्यार भेंट ना दुख भैया। अब लकड़ी जब भेंट बन गए बातचीत भय, तो विभीषण रोवेला, विभीषण रोने लगे। हनुमान जी बोले भैया एक बात बताओ, मैया सीता का दर्शन कैसे होगा? तब विभीषण बोले आज हमका भरोसा भा है कि हमरे भगवान के भजन मत्ती दम है। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलैना संता। बिना भगवान की कृपा से साधु के दर्शन नहीं हो सकते। सारी बात बताया हनुमान जी ने, बताया पूरी बात। तो विभीषण ने कहा देखो भैया हनुमान, सीता लंका में है नहीं। तो हनुमान जी बोले हम तो ढूंढ के मर गए, नहीं है। अरे हिया नहीं है, सीता है लंका के बाहरे का अशोक वाटिका है। हमरे आपकी जीवन की बगिया कहे हैं भैया, कई बगिया हैं, कई बगिया हैं, रतौन नहीं आवत है का दूध दे दुधहा कहीं अंगूरी कहाँ देखी हैं। अब ही रुक जाओ, वही तो आंखी नचते वाली मेढ़ा नाची। हमरे आपकी जिंदगी की बगिया हैं तीन, कोई पूछे तो जवाब दे दे हो। तीन बगिया हैं, याग हो गए फूल बाग, का हो गए फूल बाग की का कहते हैं बचपना। कहें भाई फलाने के जवानी जिंदगी जो है फूल ही है, ऐसा है कि नहीं। तो याग हो गए फूल बाग, और द्वासर कौन हो गए फल बाग। ये जवानी है, इमा चाहे जौन खा लो चाहे जौन पी लो और चाहे कोस भर भाग जाओ, या हो गए फल बाग। अगर ये जवानी में यहां तुम
कोई फल ना कमाए पाओ, और जवानी में अगर पैसा ना इकट्ठा कर पाओ तो तीसरे बाग या कौर हो गए है, वह हो गए है दुख वाली बाग। सीता जी की, सीता मैया को तीनों बागें मिली, पहले मिली पुष्प वाटिका, उसके मिली अशोक वाटिका, और जब अयोध्या मई तो उसके बाद कजरी भर पूरा जंगलों ही मिलेगा। ले पूरा जंगलों ही मिलेगा, और फिर जंगल से निकल आसान नहीं। सीता लंका में नहीं, अच्छा रावण अशोक वाटिकम सीता जी को क्यों रखा था, या लंबी कथा है भैया। विभीषण ने कहा कि वहां पर जाने के लिए जानते हो हनुमान, बिना सुहाग की कौनी नारी, बिना सुहाग की कोई भी स्त्री सीता के पास नहीं जा सकती, ये रावण की कानून है, योजना है। और जो कोई बिना सिंदूर के वहां पर पहुंचे तो विका तुरंत वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बनुआ है। अब एक काम करो, कोई लंका में सती हो अगर वह सुहाग अपन दे दे तो दर्शन पई हो, और नहीं तो वैसे लौट के यहां जई हो। जो सिंदूर हनुमत ना पई हो रावतपुरी, ऐसे ही तुम जई हो। तो अब हनुमान जी से पूछने लगे, कहा भैया एक बात बताओ, लंका में यहां कोई सती है? अरे कहा सती तो बहुत ही है, वैसे सती बहुत कहां ही, प्रथम सिलोचन का पदा है। वैसे तो सती तमाम ही है लंका मा, लेकिन जो सबसे उत्तम सती है वो सुलोचना है। हनुमान जी का अलग हो जाए रहन, सुलोचना के आंगन में हनुमान जी खड़े भे, सुलोचना मैया बर्तन मांग रहे, मांज रहे हैं किचन में, यहाँ हनुमान जी खड़े भे तो सुलोचना ए, ए, कहा हनुमान जी हाथ जोड़े, कहा माँ बेटा शरण में आया। सुलोचना आई, कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो? हनुमान जी फटाफट बताया, मैं राम जी का दूत हूँ, अंजनी का पूत हूँ, अयोध्या से आया हूँ। तो सुलोचना बोली, कहाँ करे आए हो, कोई जान जाई? अब पापा अजन मैं मुँह में कूच दिया। हनुमान जी बोले, कूच दिया है जब पही है तब तो कैसे कूच दिया है। तो सुलोचना बोली, क्या मतलब है? तो हनुमान जी बोले, तुम अपनी मांग के सिंदूर दे दो। अब सुलोचना चक्कर में पड़ गए, सिंदूर दे दे। ए सुलोचना क्या करती है, सिंदूर निकाल निकाल के हनुमान को देने लगी। एक होते हैं निकार और एक होते हैं उतार। तो निकार उतार में कौन अंतर है भैया? जब औरत विधवा होती है तो उसका श्रृंगार उतारा जाता है, और जब ऐसे कहें बहनी आज हम जाए इतनी माले आई माला दे दो, तो निकार कह लाओ बहनी तुमका निकार के यहाँ दे दे। तो निकार एक दिन जाते है खुशी में, यहाँ उतारा जाते है दुख मां, कह रहे आज तुम्हारे सबको सूर्या कड़ा उतारिए जाइए। ऐसा है ना, उतारना दुख की बात है और निकारना सुख की बात है। सुलोचना ने क्या किया, अपना सिंदूर देने लगी। क्यों देने लगी सुलोचना मालूम? सुलोचना समझती है कि मेरी बहन है सुनैना, और सुनैना के सुनैता के दामाद है राम, और राम का ये दूत है। जो मम बहिन सुनैना जानै औ हमसे हिया अनबन मानै, मम दामाद दूत यहुआवा, मांगे ऊपर सिंदूर ना पावा। बहन मिली तो कहीं बहन रहो बहुनी की।